नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर नगर निगम सीमा में रहने वाले रहवासियों के लिए निगम प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए रियायत बरती गई है और संपत्ति कर पर लगने वाले अतिरिक्त भार को 31 दिसंबर तक रोक दिया है। रेवेन्यू शाखा प्रभारी ब्रजेश तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए आदेश जारी किया है कि संपत्ति कर में 50,000 तक के संपत्ति कर पर पूरी छूट दी जाएगी। 5,000 से 1,00,000 तक 50% छूट दी जाएगी और 1,00,000 से ऊपर वाले हितग्राहियों को 25% रियायत दी जाएगी। इसके अलावा जलकर में यदि किसी हितग्राही का 10,000 तक बकाया है उसकी पूरी पेनल्टी माफ की जाएगी और जिसका 10,000 से 50,000 तक बकाया है उनकी 75% पेनल्टी माफ होगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। अभी तो 4,000 भरो, हमने फोटो भी नहीं सकते। 2,50,000 नहीं मिला वो मेरा दोनों वाला करा उसका ना भरा डेस्क। हाँ हाँ 2,50,000 नहीं। जब आपका मकान कच्चा है तो कच्चे से गवर्नमेंट से आदेश आया है कि जो COVID-19 में जिसके पैसा नहीं जमा हो पाए हैं तो उसके लिए आदेश आया है जिसका संपत्ति कर 50,000 तक बकाया है तो उसमें पेनाल्टी जितनी भी पेनाल्टी वो पूरी माफ रहेगी। 50,000 से 1,00,000 तक का जिसका बकाया है उसको 50% पेनाल्टी माफ करेगी और 1,00,000 से अधिक बकाया है उस पर 25% पेनाल्टी माफ करेगी। इसी तरह जलकर के यदि कर तथा दीवार की राशि 10,000 तक बकाया है तो उसको पूरी पेनाल्टी माफ रहेगी और अगर 10,000 से 50,000 तक बकाया है तो उस पर 75% पेनाल्टी माफ करेगी और 50,000 से अधिक है उसको 50% पेनाल्टी। इसके लिए कोई नियत तारीख तय की है? हाँ, गवर्नमेंट का आदेश है। कितनी तारीख थी लास्ट? लास्ट है 31 दिसंबर तक के लिए छूट है ये और हम तो अनाउंसमेंट करा दिए पूरे शहर में, पेपर में न्यूज दे रहे हैं, अधिकांश लोग जमा भी कर रहे हैं लेकिन सभी से यही निवेदन है हमारा कि सभी लोग इस छूट का लाभ उठाएं और राशि जमा करें।